जो हमने सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो रद्द हुए हैं क्यों हुए हैं, प्रक्रिया उसकी शुरुआत की थी, अंत में आपने ये क्यों किया, आपने रिटर्न में लिख करके क्यों नहीं दिया। मेरा अभी भी मानना है कि लगभग ऐसे 20 सीटें जो है हम लोगों को हराया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, परिणाम सामने आ चुका है, एनडीए जीत चुकी है और इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया के सामने रूबरू होते हुए सीधे तौर पे वो कहते हैं कि अगर जो लोग हमें हारा हुआ समझ रहे हैं तो उनको बता दूं कि हम जीत चुके हैं और जनता की नज़रों में हम जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए को घेरा है और चुनाव आयोग पर भी एक बड़ा आरोप लगाया। क्या वो आरोप है, ये पहले सुन लेते हैं। कर सकते हैं और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार पोस्टल से मतदान किया गया होगा, एनवेलप पे बैलेट पे करते हैं, यानी जो जागरूक व्यक्ति है वही ये काम कर सकता है। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है, 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ, जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरोप लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरोप की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करें जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया, पहले क्यों नहीं कंप्लीट कराई, किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार 17 वोट से 12 वोट से 50 वोट से 70 वोट से 100 वोट से 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया, ये कौन जवाब देगा? ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है, चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को जो चोर दरवाजे से सत्ता हटाना चाहते हैं सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का, पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, वही लोग बताए, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र कैसे बचे? और एक वोट से हार भी होती है जीत भी होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे ना चेहरे का चमक कहां चला गया, तीसरे नंबर पर अब तक सामने नहीं आया, फिर क्वारंटाइन हो गया। अरे भैया अंतरात्मा जगाइए, नैतिकता, सिद्धांत, नीति, विचार सब धूमिल आपने कर लिया। अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात, संन्यास लेने का काम कर रहे हैं तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में काली का अपने मुंह पर मत फुतवा कर दिया, काली अपने मुंह पर या जनता का हाय लेकर के अपने राजनीतिक सफर का अंत मत कीजिए नीतीश जी, अंतरात्मा जगाई। इसलिए हम सब लोगों को लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अब मैं पुनः बिहार को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद यात्रा करूंगा, भले ही छल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है इसके लिए हम जरूर जनता को धन्यवाद देंगे। और हमारा मानना है महागठबंधन की जीत हुई है, डबल इंजन की हार हुई है, जनता हमारे साथ है और कुछ प्रकोष्ठ के लोग
जो नतीजा फैसला नहीं, जिन्होंने नतीजा सुनाया वो भी तो किसी के दबाव में था। तो इसलिए ज्यादा पूछना क्या कि अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो उसका जवाब देना। हमारी बात को सुना नहीं गया, हमारे उम्मीदवारों को सुना नहीं गया। लास्ट में कई जगह तो ऐसा हुआ, राघोपुर का ही हम बता दें, राघोपुर का हम अपना बता दें, 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई, रात के 11 बजे से 11 बजे। मेरा तो 37,000 का डिफरेंस था, लेकिन जहां कम मार्जिन, जहां जीत रहे थे वहां पोस्टल बैलेट 900 संख्या में, तो आप कराते क्यों भैया? जब रद्द ही करना है तो पोस्टल पे काउंटी मत कर, वोटी मत कराइए। अगर पोस्टल का अगर कोई वैल्यू नहीं है, रद्द ही करना है तो वोट क्यों करा, काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोड़, या तो रिकाउंटिंग कराइए। आपके पास तो पूरा दस्तावेज, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन किसके दबाव में काम कर रहा है, किसके इशारे पर काम कर रहा है। तो ये कहीं जगह तो सर्टिफिकेट दे करके छीनने का प्रयास किया गया। अब आप बताइए हम सबूत कहां से लाए, ना मोबाइल ले जाने दिया जाता है, मोबाइल ले जाने दिया जाता तो सब पता चल जाता है, ना किसी को प्रवेश दिया करने दिया जाता है, हमको तो छोड़ दिए, मीडिया के लोगों को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, और लोग कह रहे हैं कि सबूत ला, कहां से लाए सबूत? तो वहीं से आएगा ना जब आप इसकी रिकॉर्डिंग निकालिएगा, सीसीटीवी की, वीडियोग्राफी की, बैलेट इनवैलिड जो क्यों निकाल के दिखाओ ना जनता को, क्या जिनका रद्द किया गया वोट, क्या तो आप वोटर मानते ही नहीं है? अगर रद्द हुआ तो क्या प्रक्रिया है कि फिर से पूर्ण मतदान करें? जैसा कि आपने सुना, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस तरीके से मतगणना हुआ है उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, उसमें गड़बड़ी की गई है और चुनाव आयोग इसकी जवाबदेही दी, हमें तमाम वो एविडेंस चाहिए कि कैसे मतगणना हुई है। और बैलेट पेपर की भी बात लगातार वो कहते हुए नजर आए, क्योंकि बैलेट पेपर में उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि चुनाव के जो मतगणने हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जनता को भी धन्यवाद दिया और कहा है कि जिस तरीके से जनता ने हमें प्यार दिया है, हम जनता के बीच भी जाएंगे और एक धन्यवाद यात्रा निकालेंगे क्योंकि जनता ने हमें जिताया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स ऐसे इस बार आपको देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।